हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर। स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सागर बेंज में। दोस्तों, मेरे पास बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा सीटेट का प्री एडमिट कार्ड आ चुका है लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है, सर्वर एरर दिखा रहा है कुछ इस तरह से। तो हो सकता है दोस्तों आप लोगों का भी सर्वर एरर दिखा रहा हो। दोस्तों, आप लोगों का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा और ये सर्वर एरर क्यों दिखा रहा है, इस चीज़ का मैं जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्वर एरर है, ये आप लोगों का दोस्तों कोई एप्लीकेशन फॉर्म में भरते समय कोई गलती हुई हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। ये सिर्फ सीटेट की जो वेबसाइट है उससे एक ग्लिच हुई है। ये ग्लिच जैसे ही सही हो जाएगी, आप लोगों का सीटेट का जो प्री एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये आज संडे है, हो सकता है ये मंडे की शाम तक सही हो जाए और आप लोगों का सीटेट का जो एडमिट कार्ड है प्री वाला, मतलब एग्जामिनेशन सिटी, आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक सीटेट की जो वेबसाइट है उसी से ही सर्वर की जो ग्लिच, उसी से ही ये सर्वर नहीं आ रहे हैं। तो आप लोगों ने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसमें कोई गलती नहीं है, तो ये जो सीटेट की वेबसाइट है उसी से ही अभी सर्वर नहीं आ रहे हैं। जैसे ये सर्वर आने शुरू हो जाएंगे, आप लोगों का प्री एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।